मैसेजेस के बारे में पूछ रही है, क्या है तुम्हारा नाम, क्या है, तो उसका वर्ड होता है व्हाट, व्हाट इज योर नेम, राइट? या व्हाट इज दिस, ऐसे करके. अब एक नया वर्ड है वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर. वेयर का मतलब होता है कहां, जब तुम कुछ ना जगह का नाम, जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू स्टे, है ना, और किसी चीज की पोजीशन हम पूछ रहे हैं कि ये कहाँ है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेयर. ठीक है, तो आज हमने ये पिक्चर्स बनाई हैं, और पिक्चर्स को देखकर आपको उसके आंसर्स बताने हैं. ठीक है, तो ये एक बेंच है, बेंच के नीचे एक डॉग बैठा हुआ है. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है वेयर इज द डॉग, कि आपको एक पिक्चर दी है जिसमें एक बेंच और बेंच के नीचे डॉग, और इसका क्वेश्चन है वेयर इज द डॉग, कि डॉग कहाँ है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, द डॉग, द डॉग इज, आपने ऑन एंड तो पढ़ा ही है ना कैसे होता है, तो उसी को आपको यूज करना है. द डॉग इज अंडर द बेंच. ओके, सारी पोजिशन आपने पढ़ी है, अप डाउन ऑन एंड सेम डिफरेंट ऐसे करके अलग अलग, तो उसी को से आपको पता है कि इसके नीचे है, तो नीचे के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, अंडर, तो इसका आंसर होगा द डॉग इज अंडर द बेंच. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द जूस. ये ग्लास है और ग्लास में ये जूस भरा हुआ है, तो आप क्वेश्चन है कि जूस कहाँ है, वेयर इज द जूस, द जूस इज इन द ग्लास. लिखो द जूस इज इन, अंदर को क्या बोलते हैं, इन इन द ग्लास. ठीक है, द जूस इज इन द ग्लास. फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयर है, चेयर के ऊपर बुक रखी हुई है ना, तो इसका क्वेश्चन होगा वेयर इज द बुक. एक चेयर है, चेयर के ऊपर बुक है, जैसे टेबल के ऊपर बुक हम रखते हैं, तो इसका क्वेश्चन हुआ वेयर इज द बुक, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, द बुक इज, ऊपर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑन, ऑन द चेयर, द बुक इज on the chair. ठीक है, ये book जो है chair के ऊपर है. Next है clouds है, sky है, और यहाँ पे kite उड़ रही है, तो where is the kite? आपसे पूछा कि kite कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, the kite is in the sky, the kite is in the sky. ठीक है, द काइट इज इन द स्काई. तो इस तरह से आपने ये, आपको ये समझना है कि जब हम किसी चीज की पोजिशन पूछते हैं कि वो कहाँ है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आता है, वेयर. वेयर का मतलब कहाँ, तो ये पिक्चर्स की पोजिशन है, पर आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया है वेयर इज द डॉग, द डॉग इज अंडर द बेंच, वेयर इज द जूस इज इन द ग्लास, where is the book is on the chair, where is the kite is in the sky. ठीक है, तो इसी तरह से आपकी ये पहले तो आपकी ये सारी क्वेश्चंस और सेंटेंसेस आपको अपनी आज अपनी नोटबुक में करना है, उसको समझना है. ठीक है, कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, और वो आपसे क्या क्वेश्चन, को कैसे उस तरह का आपको क्वेश्चन वर्ड्स लगा के उसके आंसर को कंप्लीट करना है. ठीक है, so this is how you will do this work in the notebook and show me. Thank you.